दोस्तों, राजनीति का अखाड़ा हो या फिर क्रिकेट का मैदान, जब भी भारत और पाकिस्तान की बात होती है, दोनों देशों के लोगों का इमोशन परवान पर होता है। क्रिकेट फैंस इन दो देशों को जब भी आपस में खेलते देखते हैं तो क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं रह जाता। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। इसी महीने के आखिर में होने वाले एशिया कप की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। BCCI के सचिव जयशाह द्वारा इसका ऐलान किया गया है। 27 अगस्त से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीमें 28 अगस्त को आमने सामने होंगी। दोस्तों, एशिया कप इस बार T20 फॉर्मेट में खेला जाना है। यहां पर पहला मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच दुबई में खेला जाएगा, जबकि रविवार 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच भी दुबई में खेला जाएगा। आपको बता दें कि इस इवेंट में 27 अगस्त से 31 अगस्त तक ग्रुप मैच होंगे। इसके बाद सुपर फोर की टीमों के मैच होंगे, जो 3 सितंबर से 9 सितंबर तक होंगे, जबकि रविवार 11 सितंबर को एशिया कप 2022 का फाइनल मुकाबला होगा। एशिया कप के महीने भर बाद पड़ोसी देश 23 अक्टूबर को एक बार फिर से ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आमने सामने होंगे। एशिया कप 2022 दुबई और शारजा में 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच खेला जाएगा। भारत ग्रुप ए में पाकिस्तान के साथ है और तीसरी टीम क्वालिफायर होगी। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान टीमें हैं। दोस्तों, अब हम आपको एशिया कप 2022 का पूरा शेड्यूल बताते हैं। 27 अगस्त श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान दुबई, 28 अगस्त इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुबई, 30 अगस्त बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान शारजा, 31 अगस्त इंडिया वर्सेस क्वालिफायर दुबई, 1 सितंबर श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश दुबई, 2 सितंबर पाकिस्तान वर्सेस क्वालिफायर शारजा, 3 सितंबर B1 वर्सेस B2, 4 सितंबर A1 वर्सेस A2 दुबई, 6 सितंबर A1 वर्सेस B2 दुबई, 7 सितंबर A2 वर्सेस B2 दुबई, 8 सितंबर A2 वर्सेस B2 दुबई, 9 सितंबर B1 वर्सेस A2 दुबई, 11 सितंबर फाइनल मुकाबला दुबई में होगा। पिछले 5 साल में ये दूसरी बार होगा जब UAE एशिया कप की मेज़बानी करेगा। पिछले साल हुए T20 वर्ल्ड कप के बाद ये पहली बार होगा जब टीम इंडिया पाकिस्तान के सामने होगी। वो मैच भी UAE में खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से मात दी थी। दोस्तों, पहले ये इवेंट श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन श्रीलंका के हालात खराब होने की वजह से वहाँ पर इस टूर्नामेंट को नहीं किया गया। ऐसे में एंड मौके पर इसे UAE शिफ्ट किया गया है। हालांकि यहां पर भी इस टूर्नामेंट का होस्ट श्रीलंका क्रिकेट ही रहेगा। UAE में हो रहे इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, इसे लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।